नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मेरे सहयोगी संजय भैया मेरे साथ हैं। आपको बता दें, आज हम उपस्थित हैं नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, जहां पे छोटे छोटे बालक और बालिकाएं एक से लेकर के 12वीं तक ऐसे का प्रदर्शनी जिसे किए हैं और जो बहुत ही वो धरा पर दिख रहे हैं। तो आइए विस्तार से इस चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम यहां के अध्यापक, प्रधान अध्यापक और शिक्षक और बच्चों के साथ वार्तालाप करके चीज़ों को और विस्तार से समझेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है और उन्होंने कैसे इस चीज़ को करने में सफलता हासिल किया है। तो आइए आप मेरे साथ, अब आइए हम यहाँ के शिक्षक के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम हो रहा है। जी नमस्ते, मेरा नाम दीप नारायण शाह है, मैं यहाँ पे हिंदी का प्राध्यापक हूँ और यहाँ पे पढ़ाते हुए मैंने हर वर्ष ये साइंस एग्जीबिशन का हम लोग बच्चों में कराते हैं कि ताकि केवल पढ़ाई का जो सैद्धांतिक माध्यम है केवल वही ना हो, बच्चे उसे व्यवहारिक रूप में भी करके देखें कि जो हम पढ़ते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लोग सीखते हैं, उसे हम लोग खुद से करके देखें कि हमें ज़्यादा उससे एक्सपीरियंस मिलेगा ताकि हम भविष्य में ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्लास 5 नीचे लेवल से, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और सबने कुछ अच्छे अच्छे विज़न के साथ ही अपना अपना मॉडल तैयार किया है। किसी का सपना अपना स्मार्ट सिटी कैसा हो, यानी भविष्य का शहर कैसा हो, उसको बनाने में है। तो कोई जो आज हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनको देखने में दिक्कत है, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग कैसे उनको पढ़ाया जाए, कैसे वो जान पाए चीज़ों को, उसको लेके एक मॉडल तैयार किया गया है। उस पे से कैसे कभी कभार क्या होता है, ड्राइवर जब गाड़ी चलाते हैं तो उनका आँख कभी झिप जाता है, तो उस समय वो लोग गाड़ी स्पीड करके कहीं जाके लड़ जाता है या कहीं ठोक देते हैं। तो इसलिए एक बच्चे ने ये भी बनाया है कि कैसे उसको रोका जाए कि जैसे उनका आँख अगर लगे थोड़ा सा तो वो गाड़ी अपने आप ब्रेक सिस्टम उसमें काम कर जाए और गाड़ी अपने आप रुक जाए, जिससे ड्राइवर को भी फायदा हो। इससे हम देखें कि बच्चों में काफ़ी इस प्रतिभा का भी हमें देखने को मिला है और नेशनल पब्लिक स्कूल का जो मानना है कि बच्चों केवल सैद्धांतिक ही ना पढ़ाया जाए, उसे व्यवहारिक रूप में भी उनको ज्ञान दिया जाए, इसलिए ये काम सबसे सराहनीय है हम लोगों के लिए। आपके स्कूल सर लगभग कितने वर्षों से इस तरह का प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहा है और बच्चे ले रहे हैं? लगभग पिछले 20 साल से ये सब काम होता है स्कूल में हमारे, कि 20 साल से हर वर्ष बच्चों के लिए समय समय पर आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें वो खुद से ही अपना काम करते हैं, खुद से ही बनाते हैं और टीचर का हेल्प चाहिए तो टीचर उसमें हेल्प करते हैं। हम सभी शिक्षक बहुत खुश हैं इस प्रकार से प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है नेशनल पब्लिक स्कूल में। मैंने का आयोजन बच्चों मैंने अद्भुत है, उसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे या इस समय कल्पना कर सकते हैं। उस प्रकार के बच्चों ने प्रदर्शन का आयोजन किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। को सुना, अब आइए धरा पे उतर के, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा, यहाँ के छोटे छोटे बालक बालिकाओं में भी जो प्रतिभा है और जो प्रतिभा के जो धनी व्यक्तित्व है सभी, एक बार आइए हम उनसे रूबरू करवाते हैं आप सभी को और ये प्रदर्शनी को भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी जिसे कहते हैं, साइंस एग्जीबिशन, ये बच्चे जो हमारे कैमरे के सौजन्य से आपने अभी भी देखा, ये तमाम बच्चों के सहयोग और इनके सहयोग के बदौलत ये बच्चे जो हैं स्मार्ट सिटी का यहाँ पे ये आविष्कार किया है, उसका ढांचा बनाया है और इस स्ट्रक्चर को क्लास 10 के विद्यार्थीगण हैं ये जो बनाए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन हाउसेस और तमाम जो है स्कूल और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइए एक बार हम उनसे ही बातचीत करके चीज़ों को और विस्तार से समझते हैं कि उन्हें क्या कहना है इस बारे में और क्या संदेश वो देते हैं। सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। ये हमने एक ऐसा सोसाइटी बनाया है जो कि डेवलप्ड है। हम अपने जनरेशन, आने वाले जनरेशन को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसा डेवलप्ड सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक टर्बाइन, हमारे अर्थ पे 100% वाटर है जिसमें से 97% फ्रेश वाटर है, तो वो फ्रेश वाटर का यूज़ भी हम लोग किसी चीज़ में कर सकते हैं। तो वो जैसे कि टर्बाइन रोटेट होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और हमारे सोसाइटीज को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। सोसाइटीज में पानी हो
होता है, लेकिन हमारे जो अर्थ पे 97% वाटर है वो फ्रेश वाटर नहीं है। उस फ्रेश वाटर को भी हम लोग किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो एक टर्बाइन है, वो रोटेट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हमारे पूरे सोसाइटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा ये हमारा मॉडल है, ये एक फायर अलर्टिंग अलार्म है। जैसे कि आजकल हमारे जो दुनिया है उसमें बहुत से आग लग रहे हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए एक फायर अलर्टिंग अलार्म लगा, एक फायर अलर्टिंग अलार्म है जो कि हमारे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेगा एक फायर लगने से। दूसरा ये हमारा लेजर सिक्योरिटी हाउस है। आजकल हमारे सोसाइटी में बहुत सी चोरियाँ हो रही हैं, लेकिन उसको बचाने के लिए हम लोग एक ऐसा मॉडल बनाए हैं जिसमें एक लेजर लाइट मिरर से पास होगा दूसरे मिरर पे, लेकिन जब थीफ जैसे कि चोर जाएगा तब वो दूसरे मिरर पे जाना रिफ्लेक्ट करना बंद कर देगा और वो चोर के बॉडी पे पड़ेगा, तब हमारा जो बजर है, जो हम लोग का अलर्टिंग अलार्म है, वो साउंड करने लगेगा और इससे जो सोसाइटीज़ के लोग हैं उससे अलर्ट हो जाएंगे कि हमारी सोसाइटीज़ में चोर घुसे हैं। दूसरा ये हमारा इरीग्रेशन प्रोसेस, आप सभी को पता होगा जैसे कि हमारे बिहार में एग्रीकल्चर के लिए नदी को ज्वाइन किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे नदी ना भी होने के कारण यहाँ पे डैम्स हैं, तो हम लोग डैम्स को कनेक्ट करके यहाँ इरीग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वो हमारा मॉडल है जस्ट, और ये हमारा एक ऐसा मॉडल है अर्थक्वेक, अभी वोल्केनो इरप्शंस प्लेटोस जुड़ रहे हैं जिसके कारण अर्थक्वेक आ रहे हैं और बिल्डिंग हिल रहे हैं, जो हम लोग को अलर्ट करेगा वो एक ऐसा मॉडल है। उसमें एक अलर्टिंग अलार्म है, जो वो अलर्टिंग अलार्म बिल्डिंग को टच करेगा तब वो साउंड करेगा, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि अर्थक्वेक आया है और हम लोग उससे अलर्ट हो जाएंगे। थैंक यू। ये आप कैसे आपको प्रेरणा मिला, ये सब कौन बनाया है, आप बनाई हैं ना, आपके सहयोगी सभी मित्र फ्रेंड? ये हमारे सभी मित्रों ने सहयोग किया है ये सब बनाने के लिए। ये हम लोग को एक थॉट आया कि मतलब एक सोसाइटी डेवलप होना चाहिए, जैसे कि ये सब चीज़ के आज के जनरेशन में ये सब चीज़ बहुत से घटित हो रहे हैं, हमारे न्यूज़ में भी दिखाते हैं कि ये सब चीज़ हो रहे हैं, तो वो बनाने के लिए हम लोग ये दिखाना चाहते हैं। ऐसे समय में आप अपने तमाम दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि ये जो हम लोग टेक्नोलॉजी है, अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके हम लोग आने वाले जनरेशन या अभी के जनरेशन को हम लोग सेफ रख सकते हैं। मेरा नाम किस क्लास में है आप? मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। बड़े हो के आपको क्या बनना है भविष्य में? मुझे तो डॉक्टर बनना है। आपको हमारे पूरे टीम के तरफ से उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अनुभव जी देखिए, बहुत ही अनोखा चीज़ों का आविष्कार करने के दिशा में बढ़ रहे हैं। वो जो चीज़ बनाए हैं, आज आए दिन जिस तरह के एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं सड़कों पे आँख लग जाने के कारण, यानी कि गाड़ी जब हम वाहन चलाते हैं और अचानक हमें जब नींद लगती है, तो नींद लगने के क्रम में ऑटोमेटिकली ये ऐसी ही चीज़ का आविष्कार है कि ऑटोमेटिकली अपना वाहन जो है वह बंद हो जाएगा और इससे दुर्घटना होते होते बाल बाल जो है बच जाएंगे। ये बहुत ही अद्भुत और आकर्षक आपने इनके तरफ से ये प्रयास को देखा है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये अपने जीवन बहुत आगे बढ़े। कहाँ से प्रेरणा मिला आपको इस तरह का चीज़ बनाने के लिए? आने वाले समय में जैसे हम देखते हैं एक्सीडेंट होते रहता है, उसी को देख के मैंने इसे बनाया। क्या बात है, क्या बात, ग्रेट, थैंक यू सर, वेरी गुड। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक चश्मा है, आई ब्लिंक सेंसर जिसे कहते हैं। ये पहनने के बाद में जो है कि यहाँ पे ये गाड़ी, यानी कि ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है, ये जो व्हील जो है नाच रही है, यानी कि आपका वाहन चल रही है, गाड़ी चल रही है, और जैसे ही वो एक जैसे ही वो ड्राइवर साहब अपने आँख को बंद करते हैं और गाड़ी देखिए चक्का जो है व्हील जो है अपने आप रुक गई, यानी कि अब ये चालू नहीं होगा तब तक जब तक कि वो गाड़ी को आरम्भ ना करे, फिर से स्टार्ट ना करे। अद्भुत और आकर्षक ये क्लास 8 के विद्यार्थी जो है व्हीकल एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। और आपको बता दें ये नेशनल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थीगण हैं, ये क्लास 8 के इस तरह का अनुभवी और इस तरह का विद्वान विद्यार्थी हम कह सकते हैं, जो अपने आप में जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और ये केवल और केवल जो हम पूर्व में यहाँ के अध्यापक और प्रधान अध्यापक सर से आपको रूबरू करवाया, ये सब उनके मार्गदर्शन, उनके कृपा दृष्टि के ही बदौलत ये बच्चे जो हैं इस तरीका
मतलब बन पाए हैं, क्योंकि कहावत है ना कि कैंडल जो है ना स्वयं जल करके दूसरे को प्रतिबिंबित करती है, वही है शिक्षकगण है, जो अपने तो जलते हैं और बच्चों के अंदर वो ज्ञान रूपी, शिष्टाचार रूपी और अनुशासन रूपी बीज को बो करके समाज में एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं, और ऐसा व्यक्ति तो बनाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं रहता है। मैं इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। मैं क्लास 7 से हूं और मैंने आज ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट विथ न्यू इनोवेशन बनाया है, जिसे ब्लाइंड पीपल के लिए बहुत हेल्पफुल है और जो ब्लाइंड पीपल नहीं है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि ये यहाँ पे ब्रेली सिस्टम में लिखा गया है वेस्ट बंगाल, तो हम इसे ब्लाइंड पीपल ऐसे छू कर देखेंगे, उसके बाद वो इस चीज़ को यहाँ लगाएंगे और इधर ऐसे करेंगे तो उनके नहीं मिलेगा, बट जब वो सही टाइम पे आएंगे तो ये बजने लगेगा, तो उनको पता चलेगा इस मैप में ये चीज़ कहाँ पे है, तो और वो उनको विदाउट एनी स्पेशल गाइड और बिना टीचर के बिना वो खुद से ये चीज़ कर सकते हैं, और जो अंधे नहीं है उनको टीचर लोग एक नए तरीका से भी पढ़ा सकते हैं। थैंक यू। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिला इतना सुंदर चीज़ बनाने के लिए? ये मेरे को इसमें मिला कि बहुत आजकल बहुत सारा बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते हैं जो अंधे होते हैं, इसलिए मेरे मन में ये चीज़ आया कि मैं ये बनाऊँ। बहुत ही अच्छा चीज़ों का आपने ये कोशिश किया है, समाज को एक संदेश देने का चेष्टा किया है। तो दर्शक आप देख पा रहे हैं, ये थी मेरे बीच प्रियंका जो क्लास 7 की स्टूडेंट है, और बहुत ही आकर्षक चीज़ का इन्होंने विजुअल इम्पेयर्ड ग्लोबली का दिमाग में रखते हुए इन्होंने इस तरह का प्रदर्शनी को हमारे बीच रखा है। ये भारत का नक्शा, जैसे कि उन्होंने बता रहा था कि आप ये क्या है बगल में, ओ अच्छा, उसके बाद इस चीज़ को छूकर उन्हें पता चलेगा, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही बताएंगे तो उनको पता पड़ता है, और इधर भी जैसे एप्पल है तो ये चीज़ जाएंगे तो बचता है। चंपा साड़ी पोखाई जोत स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में साइंस मॉडल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित भांति भांति का मॉडल प्रस्तुत किया। किसी कक्षा के छात्रों ने स्मार्ट सिटी, तो किसी ने पर्यावरण अनुकूल, तो किसी ने वाहन दुर्घटना रोकथाम, विद्युत ग्रीन हाउस प्रभाव, दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक यंत्र बनाने का प्रयास किया गया। तंत्रिका तंत्र ज्वालामुखी पानी साफ करने का मशीन, तो किसी ने, इसी बीच 9वीं के छात्रों ने ड्रोन मॉडल बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अभिभावक अपने बच्चों का उन्नतिशील कार्यक्रमों को देख काफ़ी प्रफुल्लित नजर आए। ये क्या है बच्चों? किस क्लास से हैं आप लोग?